भारतीय क्रिकेट टीम रविवार 28 अगस्त का एशिया कप 2022 में अपना आगाज करेगी। टीम इंडिया को पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में खेलना है। यह पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली के लिए करियर का काफी बड़ा मुकाबला होगा। इस मैच में उतरते ही कोहली इतिहास रच देंगे। पूर्व भारतीय कप्तान कोहली भले ही लंबे समय से खराब दौर से गुजर रहे हों, भले उनका बल्ला रनों की आग नहीं उगल रहा हो, मगर फिर भी कोहली है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड बना ही देते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल इस बार एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। ऐसे में कोहली पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हैं तो यह उनके करियर का 100वां T20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। इस तरह कोहली 100 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के दूसरे प्लेयर बन जाएंगे। इस मामले में रोहित शर्मा उनसे आगे हैं। भारतीय कप्तान रोहित दुनिया में सबसे ज्यादा 132 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। रोहित को ही कोहली के बाद टीम इंडिया की कप्तानी सौंपी गई है। साथ ही विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, वनडे, T20 में 100 से 100 मैच खेलने वाले एशिया के पहले और दुनिया के दूसरे क्रिकेटर भी बन जाएंगे। कोहली ने अब तक 262 वनडे और 102 टेस्ट मैच के अलावा 99 T20 मैच खेले हैं।